गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आरके स्कूल कुशाइल बाजार, मैं सेल्फ आशीष कुमार। मैं आज आप सबको 6-7-8 कंबाइंड क्लास इंग्लिश ग्रामर में वर्ड और वर्ड क्या होता है, फिर मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा सेंटेंस क्या होता है। इसके पहले मैं आप सभी को जो है इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर क्या है, लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, वावल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, इन सब सारी चीज़ों के डिफिनीशंस मैं बता चुका हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अपने अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल सब लोग अपने सामने रखें और जो भी मैं बोर्ड पर लिखूँगा समझाऊँगा आप उसको समझते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना काल का समय चल रहा है, पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में तबाही मचा के रखा हुआ है, जिससे कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन आपके अपने स्कूल आरके स्कूल में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबको हर सब्जेक्ट के पढ़ाई स्टार्ट करवा दी गई है, इसलिए आप सब लोग जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपना स्टडी कार्य आरंभ करें ताकि आपके सामने किसी प्रकार कोई समस्याएं ना आए। आप सब लोग जो है पढ़ाई पर एकदम ध्यान दें, जिससे कि आप किसी चीज़ को भूलें ना। अगर आप लोग जो है पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो कुछ भी आपको आ भी रहा है वो जल्द से जल्द भूल जाएंगे। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमने जो है आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द अपनी अपनी किताबें खरीद लें। किताबें रहेंगी तो आपका पढ़ने में मन लगेगा और आप डेली पढ़ाई भी करते रहेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है हर सब्जेक्ट में तो उसकी जो है आप लोग तैयारी करके रखें, होमवर्क कंटिन्यू करते रहें। जो भी चीज़ यहाँ पर लिखवाया जाता है बोर्ड पर उसको आप डेली याद भी करते रहें। जब हम टीम के माध्यम से आपके घर पर, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा पढ़ाया जाएगा आपके घर पर तीसरे चौथे दिन हमारे पास आएंगे, तो जल्द से जल्द ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हम आपके घर पर आपसे मिलने के लिए और आपकी पढ़ाई को चेक करने के लिए, होमवर्क चेक करने के लिए आपके घरों पर आ रहे हैं। सो आप सभी लोग जो है अब जानेंगे कि वर्ड क्या होता है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे वर्ड। इसकी जो है हमको परिभाषा लिखना है, परिभाषा में लिखेंगे लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं। जिसका लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको मैं बताऊंगा। जैसे कह दिया जाए कि मैंने आपको बताया बी ए टी बैट, बैट मीन्स होता है बल्ला। यहां पर मैंने लिखा लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं। बी ए टी, बी लेटर है, ए लेटर है और टी भी क्या है, लेटर है। अगर इसको हम जो है एक कलेक्ट कर दें, एक ग्रुप में बना दें तो एक समूह बन जाता है और जिसका एक अर्थ निकलता है वो हमारा क्या होता है, वर्ड कहलाता है। ऐसे ही अगर जैसे मैं लिख दूं कि ये आपका करेक्ट है, जैसे मैं आपको लिख दूं ए सी पी, अगर इसको मैं लिखूं ए सी पी
यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं ग्रुप तो बन रहा है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये जो शब्द है हमारा रांग है। शब्द लेटर ऐसा होना चाहिए जिसका एक कोई अर्थ निकले, ग्रुप रहे, ग्रुप का एक लेटर जो आपका हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स रहे, अक्षरों का जो समूह है, अक्षरों का जो समूह होता है उसका एक अर्थ निकले, वो हमारा जो है शब्द कहलाता है। सो आप सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा लिखेंगे। सेंटेंस, सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। वाक्य, परिभाषा में लिखेंगे शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले, जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले, एक पूर्ण अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कहलाता है। एस कहने के मतलब कि शब्दों का, शब्दों को सॉरी शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम आपको लिख दें रवि इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब यहां आप देखिए रवि दिया गया है, रवि ये किसका समूह है? अगर यहां पर अभी हम लिखें आर ए तो ये लेटर बन जाता है, और लेटर जो है क्या बन रहा है, ये शब्द बन रहा है, और ये किसका समूह बन रहा है, रवि एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, गोइंग एक वर्ड है, टू मार्केट एक वर्ड है, एक ग्रुप बन गया है शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक क्या निकलता है, अर्थ निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया रवि इज गोइंग टू मार्केट, ये आपका इसमें एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल और दूं, ऐसे कह दिया जाए रवि गोइंग टू इज मार्केट, यहां पर एक सेंटेंस तो लिखा गया है, रवि गोइंग टू इज मार्केट, एक सेंटेंस तो लिखा गया है, शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, इसलिए जो है ये जो शब्द होगा हमारा ये इनकरेक्ट है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस जो है बच्चों वही कहलाता है जिसका जो है शब्दों का समूह हो और शब्दों के समूह के साथ साथ में उसका एक अर्थ निकले। और एग्जांपल आप समझेंगे, जैसे मैं कह दूं कि आई हैव अ पेन, यहां पर है मेरे पास एक कलम है, फिर से कह दिया जाए यू हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार है, ऐसे जो शब्द है हमारे आई हैव ए पेन, ये सभी हमारे जो है सेंटेंस जो हमारे वर्ड दिए गए हैं लेटर्स हैं
और लेटर से बना हमारा वर्ड है, वर्ड से एक ग्रुप बन गया है, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट करें, आगे हम लिखेंगे जानकारी करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के भेद लिखेंगे हम, यानी कि वाक्य भेद। यहां पर आप लिखेंगे सेंटेंस के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट, इसको कर्ता कहते हैं, और दूसरा है प्रेडिकेट, इसको हम विधेय कहते हैं। सेंटेंस के दो भेद होते हैं, सब्जेक्ट, सेकेंड है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता कहा जाता है और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब आप लिखेंगे डिफिनीशन सब्जेक्ट की, फर्स्ट नंबर डालकर सब्जेक्ट जिसको कर्ता कहते हैं। परिभाषा में लिखेंगे डिफिनीशन में आप लिखेंगे शब्द, ब्रैकेट में वर्ड लिख सकते हैं, वर्ड शब्द या शब्द समूह में, शब्द या शब्द समूह में नहीं, जिसके शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट कहलाता है। यहां पर आप क्या कह रहा है, इसमें शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल ग्रुप में आप देखेंगे जैसे एज है, जैसे मैंने कहा रामू हैज ए पेन, यहां पर कहा गया है कि रामू के पास एक कलम है। यहां पर कह रहा है शब्द या शब्द समूह, इन शब्दों में वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये सेंटेंस दिया जा रहा है। अब इसमें देखना है किसके बारे में क्या कहा जा रहा था। यहां पर रामू के बारे में कहा जा रहा है, ये जो रामू है ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर। और एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे मैं कह दूं कि अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे कि यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो, तो यहां पर यू जो शब्द है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू के बारे में यहां पर कहा जा रहा है। ऐसे यहां पर देखना है कोई भी सेंटेंस रहे, वहां पर ये देखना है कोई शब्द रहे, कोई शब्द समूह रहे, उसके उसमें जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अब हम लोग नोट करेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट में लिखेंगे सेकंड नंबर डालकर, प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। इसमें आप डिफिनीशन लिखेंगे
सब्जेक्ट के सॉरी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट कहलाता है, जैसे आप लिखें यहां पर, जैसे मैं लिख रहा हूं रामू हैज ए बॉल। यहां पर कहा गया कि रामू के विषय में कि रामू के पास क्या है, रामू के पास जो है एक बॉल है। तो ध्यान रखेंगे आप जो है सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है कर्ता है, कर्ता को छोड़ करके अन्य जितने भी हैं वो वर्ब हो कंप्लीमेंट हो ऑब्जेक्ट हो वो टोटल हमारे जो है प्रेडिकेट कहलाते हैं। और एग्जांपल आप समझ लें, जैसे कह दिया जाए यू आर गोइंग टू इलाहाबाद, तुम के बारे में कहा जा रहा है कि इलाहाबाद जा रहे हो, तो तुम यहां पर यू जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और यू के बारे में जो कहा जा रहा है पूरे सेंटेंस में आर गोइंग टू इलाहाबाद, ये टोटल हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। सो माय डियर चिल्ड्रेन, आज मैंने आपको वर्ड की डिफिनीशन बता दिया कि वर्ड क्या होता है, अक्षरों का जो समूह होता है वर्ड कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है जो शब्दों का समूह होता है वो जो है सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस के हमारे दो भेद होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, कर्ता के वाक्य में कर्ता के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। सो माय डियर चिल्ड्रेन, आप सब लोग इन डेफिनेशंस को अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहें, लिखते जाएं, जिससे कि आपको किसी प्रकार कोई समस्याएं ना आए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सब लोग जो है होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क में आप लिखेंगे फर्स्ट आर टू आहा की स्पेलिंग, सेकंड है कार्टू ज्ञा की स्पेलिंग, थर्ड लिखेंगे देश और मंस की स्पेलिंग, फोर्थ है बीस शरीर के अंगों के नाम, फाइव है बीस
जानवरों के नाम, और सिक्स है इंग्लिश राइटिंग सुलेख। वन पेज आपको लिखना है। इतने सारे होमवर्क मैंने आपको दिया है, आप सभी लोग जो है इस होमवर्क को नोट कर लें और कंटिन्यू अपना होमवर्क करते रहें। जो भी आपको दिया जा रहा है उस होमवर्क को आप लोग जो है कंटिन्यू अपने जो है कॉपी में लिखते रहें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।